जहानाबाद मतदाता जागरूकता को लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मतदान के दौरान रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है उद्देश्य। मतदाता जागरूकता तथा मतदान के दिन ब्लड बैंक में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से आज 29 मई 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कल एवं परसों भी जारी रहेगा। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने एवं मतदान के दौरान विपरीत स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर किया गया। ललित शंकर ने बताया कि रक्तदान एक जीवन दान है, जो कि हम सभी व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर हैं व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करें, जिससे दूसरे व्यक्ति को जरूर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। अगर हम रक्तदान करते हैं तो मेरे रक्त से किसी न किसी की जान बचाने का कार्य किया जा सकता है। इसी को लेकर इस नेक कार्य में हम सब मिलकर भागीदारी का हिस्सा बने। आयोजन रखा गया है यहाँ पर देखिए मतदान जागरूकता और मतदान यहाँ 1 जून को है, तो 1 जून को ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड की उपस्थिति रहे, इन दोनों उद्देश्य से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर के आयोजन में जो लोग आ रहे हैं वो इस बात के इस थीम के साथ आ रहे हैं कि मैं रक्तदान करूंगा, मैं मतदान करूंगा। और ये रक्तदान का शिविर आज से प्रारंभ हुआ है, आज कई लोग रक्तदान करेंगे और कुछ लोग कल परसों ही रक्तदान करेंगे। और सबका उद्देश्य यही है कि जितना भी जहानाबाद का जो मत प्रतिशत है बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जहानाबाद में ब्लड की कमी ना होनी पड़े। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ललित शंकर, रक्त सेवा जो आयोजन करने वाली जो संस्था है उसकी तरफ से।